it's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Hello guys, how are you all? Being a homemaker, जितना मुझे पसंद है किचन में टाइम स्पेंड करना, उतना ही मुझे रिलैक्सिंग और थेरेप्यूटिक लगता है अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना, एवरी मौसम के साथ उसको थोड़ा बहुत छोटे छोटे चेंजेस करना, बट स्टेइंग इन अ बजट. आफ्टर ऑल बजटिंग इज ऑल्सो रियली एसेंशियल फॉर अ होममेकर, इजंट इट? कैसा बना है? बहुत अच्छा बना. थैंक यू मामा, केचप देना. ओके. In this video, I'm going to share some home and kitchen essential which I got from Timu, and trust me, those are really good and really budget friendly. Thank you, mama. तो बीइंग अ होममेकर, काफ़ी सारा टाइम मेरा किचन में निकलता है और आप भी व्लॉग्स में ये पार्ट बहुत देखते होंगे. और यहाँ पे अपने मेरे को किचन टेबल पे, या आपको पता है मेरे घर में कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, तो डाइनिंग टेबल की जगह हम लोग यहीं पे यूज़ करते हैं और सारी मील्स यूजली यहीं पे लेते हैं. इसके लिए मैंने एक डेकोरेटिव आइटम मंगाया जो कि है ये प्लास्टिक ट्रे, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी, क्वाइट नाइस, और साथ में क्वाइट स्टर्डी एक्चुअली. और साथ में मैंने इस पर अपने रखे कैंडल, तो ये मेरे पास अपनी एक कैंडल थी, इट वॉज गिफ्टेड बाय वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड. बट जो नेक्स्ट ये मैंने वेस मंगाया, ये मंगाया मैंने टीमू से, और मेरे को ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था. इट वॉज ऑल ओवर पिंटरेस्ट ऑल्सो दीज फ्लावर्स. आई एब्सोल्युटली लव हाउ इट लुक्स सिटिंग ऑन माई टेबल. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स हाउ डू यू लाइक इट. और जो ये दूसरा प्रोडक्ट है वो मैंने मंगाया अपने एंट्री टेबल के लिए, और ये रेजिन स्कल्पचर है, सो मच इन ट्रेंड इस टाइम पिंटरेस्ट पे, टिकटॉक पे, इट्स एवरीवेयर एंड ऑल्सो दीज बीड. और ये भी मैंने मंगाया टीमू से, विच इज़ एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस जहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज, होम, ब्यूटी, क्लोथ्स, डेकोर, बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं एट अ वेरी गुड कम्पेटिटिव प्राइस. मुझे अपने फ्रिज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ बॉदर करी थी वो थी जो मेरी एग ट्रे है, इतना ज़्यादा स्पेस लेती है, स्टिल सारे एग्स एक ट्रे में नहीं आते. एंड दिस इज़ व्हाट आई फाउंड अ ग्रेट सॉल्यूशन. इसमें इतने सारे एग्स आ गए मेरे, इवन इसके अंदर जो एक मैंने प्लास्टिक बॉक्स में रखे थे वो सारे एग्स आए, देन मैंने एक और बॉक्स में रखे थे बिकॉज एक में इतनी कैपेसिटी नहीं है सारे होल्ड करने की, सो आई गॉट द अदर वन एज वेल, और उसके भी रखे सारे एग्स इसमें आ गए. एंड स्टिल देर वॉज अ लॉट ऑफ रूम लेफ्ट फॉर मोर एग्स. एंड द रीज़न वाई I purchased it not just because इससे काफ़ी सारी स्पेस बचने वाली है इन माई रेफ्रिजरेटर, बट ऑल्सो यू कैन कीप इट एट द रेफ्रिजरेटर डोर, विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि इसके बाद मेरा पूरा एक शेल्फ फ्रिज का बच गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल प्रोडक्ट दैट सेव्स सो मच स्पेस एंड इट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल. सो मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थ्रू द लिंक इफ यू डाउनलोड द टीमू ऐप यू विल गेट $100 वर्थ ऑफ कूपन्स. I also ordered this product. फ्रिज में काफ़ी सारे जितनी कैंस वगैरह होती हैं, पॉप वगैरह होती है रखी हुई, उसको एक साथ एक जगह पे स्टोर करने के लिए, सो इट्स अ पॉप होल्डर. और इसके अंदर मैंने 4 रखने की स्पेस थी, मैंने 3 रखी, और एक में मैंने पानी की बॉटल भी रखी जस्ट टू सी इफ उसमें फिट होती है नहीं होती, एंड इट फिट्स रियली वेल. इसमें एक बहुत अच्छी बात लगी जो है इसका हैंडल, जिसकी वजह से इट्स वेरी ईजी कि आप उसको फ्रिज में रख के बाहर निकाल सको. So I was a little skeptical before buying this. Basically मैं अपनी जितनी भी herbs हैं, especially मेरे cilantro, क्योंकि मेरे को घर पे धनिया यूज़ करना बहुत पसंद है, तो ये box मैंने टीमू से मंगाया था almost 2 months ago, और इसी में मैं हमेशा अपना paper towel रख के अपने herbs रखती हूँ और वो काफ़ी fresh रहती हैं.
बट दिस टाइम आई ऑर्डर्ड समथिंग एल्स जस्ट टू गिव इट अ ट्राई बिकॉज उसमें इन्होंने लिखा था कि इट विल वर्क फॉर 3 weeks एंड आई हैव सीन इट इन मैनी वीडियोज ऑन मैनी टिकटॉक एंड मैनी पिंटरेस्ट वीडियोज सो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई. तो दिस इज अ हर्ब होल्डर और इसके अंदर 3 weeks तक उसको फ्रेश रखने का होता है बिकॉज इसमें पीछे जो नॉब है उसको खोल के यू हैव टू एड सम वॉटर एंड देन यू विल प्लेस इट इन योर फ्रिज एंड इट विल स्टे फ्रेश फॉर 3 weeks. आई एम गोइंग टू गिव इट अ ट्राई. इट लुक्स रियली इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज रियली इंटरेस्टिंग. ये है इसमें मैंने पहले भी एक बार ट्राई करा है बैक इन इंडिया और यहाँ पे आई वॉज रियली इम्प्रेस टू सी दिस बिकॉज मेरी मॉम के किचन में अभी भी है एंड शी यूज इट एवरी डे. इसमें 4 sections हैं और बेस्ट पार्ट ये कि जो sections है ना वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं. सो आई बिलीव इट इज परफेक्ट फॉर स्टोरिंग ब्रेकफास्ट स्नैक्स जैसे कि इसके अंदर सीरियल्स रख सकते हैं एंड आई एम एडिंग सम दलिया और उसके साथ बैम्बिनो ऐड करना और मैंने इसकी क्वांटिटी मेजर करी है सो 400 टू 500 ग्राम्स इसमें आ जाएगा आराम से एंड आई एब्सोल्युटली लव हाउ क्यूट दिस लुक्स. और इसमें एक साथ इतने सारे कंपार्टमेंट है तो एब्सोल्युटली इट्स अ स्पेस सेविंग प्रोडक्ट एंड इट लुक्स रियली प्रिटी सिटिंग इन योर पैंट्री. सो इफ यू आर अ राइस लवर जस्ट लाइक मी ये प्रोडक्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है. मुझे जब मैंने इसको देखा था मैं उसी टाइम आई वॉज लाइक ओके दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग. इसमें काफी ज्यादा स्टोरेज है टू स्टोर योर राइस. And as it comes with a mug, it was so easy to dispense the product. एक बार उसको प्रेस करने में बहुत ही अच्छे से इसमें से राइस बाहर आ रहे हैं और इसमें काफ़ी सारे राइस स्टोर होने वाले हैं. फिलहाल मेरे पास जितने बैग में थे मैंने उतने इसमें ट्रांसफर कर दिए एंड आई एम गोइंग टू पुट लिटिल बे लीफ. ये रखने से राइस पे कुछ भी कीड़े नहीं लगते हैं एंड दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव गॉट सिंस नाउ बिकॉज आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दिस प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट इज द मोस्ट निगलेक्टेड वन. नॉर्मली जो ड्रॉर्स होती हैं जिसमें सारे स्पून्स या लैडल्स होते हैं वो ड्रॉर सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होती है सो लेट मी जस्ट क्लीन इट फर्स्ट. सो आफ्टर क्लीनिंग द ड्रॉर आई विल प्लेस द मैट्स अगेन और उसके बाद जो भी इसमें सामान रखना हो मैं रख दूंगी. सिंस मेरे जो स्पून होल्डर और जिसमें फोक्स और नाइफ जाते हैं इट्स क्वाइट बिग आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट विच आई सॉ एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स प्लेस और मेरे को बहुत अच्छा लगा था एंड आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस सो आई गॉट इट फ्रॉम टीमू एंड इट वॉज अ वेरी इनएक्सपेंसिव वन येट इट वॉज अ वेरी स्पेस सेविंग प्रोडक्ट और इसके अंदर आपके सारे जितने भी कटलरीज हैं वो सारी बहुत ही ईजिली आ जाती है एंड लुक्स रियली नाइस. Also, I got this manual chopper. Since apni Indian cooking mein there is so much chopping involved, so I really wanted to give it a try. But before then, it's just tea time, toh abhi main sabke liye chai banane wali hun. And Abhishek is also coming back from work. तो चाय में साथ में मैं बनाने वाली हूँ बॉइल्ड एग्स और ब्रेड एंड बटर. वेरी सिंपल येट यू नो मेरे को बहुत अच्छा लगता है शाम की चाय विद फैमिली तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू मेक. और जो भी मैंने अपना एग का जो मेरा कंटेनर है जो स्टोरेज बॉक्स है इट इज़ रियली हेल्पफुल सिर्फ फ्रिज के डोर में आया हुआ है. आई रियली रियली लाइक इट. मेरे को लगता है ये मेरे काफ़ी सारी स्पेस बची है इसकी वजह से बिकॉज अब मैं आराम से वहाँ पे थोड़ा लेफ्ट ओवर सामान भी रख सकती हूँ. सो लेट मी प्रिपेयर फ्रेश टी एंड सम बॉइल्ड एग्स एंड देन विल गो फॉर अ वॉक. So it's time for me to cook some dinner because dinner ke baad we have to go for a little walk. तो
तो डिनर में बना रही हूँ पनीर भुर्जी एंड फॉर डैट आई एम गोइंग टू यूज दिस चॉपर. इससे मैं प्याज और टमाटर वगैरह चॉप करने वाली हूँ. इट ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ सेटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ ब्लेड्स जो अलग अलग चीज़ों को कट करने में हेल्प होंगे. एंड देन अब मैं जल्दी से बनाने वाली हूँ डिनर एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर अ लिटिल वॉक विद माई फैमिली. बट प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू मेक योर लाइफ अ लिटिल ईजी विद ऑल दिस इक्विपमेंट्स. एंड आई होप दिस वीडियो लिटरली हेल्प्स यू टू फाइंड योर परफेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टीमू. I hope you guys enjoyed this video. I shall see you on next Friday. Till then, take care, stay healthy, keep budgeting, and as always, like this video and make sure to subscribe to this channel. Bye-bye.